रूपं परमापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्च परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 19। यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा बहुत्तम श्लोक सन्तु सत्य महाशिषः इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः तन्निसार्योपहरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत्। ततस्तु वीतस्तोत्रेण भक्तिप्रवेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवग्राह्य पुनरभ्यर्चयेद्धरिं पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियैस्तैस्तैरुपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः। बिभ्या सर्वकर्माणि पत्न्या उच्च वचानि च। नारायण कुंभसमन व्रत का निरूपण भगवान सुखदेव जी ने किया। दंपति लक्ष्मी नारायण की स्तुति करे। आपकी कीर्ति अत्यंत उज्ज्वल है। आप दोनों त्रिलोकी के वरदानी सर्वेश्वर हैं। जो मन में सन्निहित भावना वासना या कामना है आपके अनुग्रह से उनकी पूर्ति हो, उसकी पूर्ति हो, ऐसी मेरी भावना है या ऐसी हमारी भावना है। श्रीमद्भागवत में ही इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि व्यक्ति के हृदय में किसी के अकल्याण की भावना ना हो, स्वहित की भावना हो और अपने हित की भावना से भावित होकर भगवान की आराधना करे तो उस आराधना के फलस्वरूप उसकी कामना मनो की सिद्धि अवश्य होती है। कहीं
भगवान जो सबका हित चाहने वाले, जानने वाले, सबके हित में तत्पर और समर्थ हैं, उन्हीं की अनुकृति जिसके जीवन में है, जो सबका हितैषी हितज्ञ है, हित करने में तत्पर है, वह यदि सबके हित के अनुकूल सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए तप करता है तो भगवान अत्यंत प्रमोदित होते हैं। किसी के अहित की भावना ना हो और अपने मनोरथ की सिद्धि की भावना हो, फिर भी भगवान की आराधना व्यर्थ नहीं जाती। दिति के मन में तो देवराज इंद्र को मरवाने में समर्थ या मारने में समर्थ पुत्र रत्न प्राप्त करने की थी, कामना निकृष्ट थी, लेकिन उसने आराध्य परमेश्वर शिवन नारायण विष्णु को ही माना और सात्विक भाव से समर्चा की, सेवा की। एक वर्ष तक अत्यंत अप्रमत्त संयत होकर उसने प्रभु की आराधना की। तनिक सी त्रुटि हो जाने पर क्या हुआ, वो त्रुटि भी वरदान के स्वरूप में परिणत हो गई। एक के स्थान पर 49 लाला हो गए और देवराज इंद्र के वे सब के सब अनुगामी हो गए। इसका अर्थ है आश्रय कहीं भगवान का ले ले, विषय कुछ खोटा भी हो तो आश्रय का आलंबन इतना सुदृढ़ होता है कि मार्जन हो जाता है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञास और ज्ञानी भगवान के चार प्रकार के भक्त हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार आर्त और अर्थार्थी आश्रय तो भगवान का लेते हैं, विषय भव को बनाते हैं। किसी को उत्पीड़ित करने की भावना न होने पर भी आरती वेदना जो प्राप्त है उसकी निवृत्ति की भावना से भगवान का आश्रय लेते हैं। अर्थार्थी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की भावना से भगवान का आश्रय लेते हैं। जिज्ञासु में क्या विशेषता है, आश्रय और विषय दोनों ही वो भगवान को बना लेते हैं। और ज्ञानी बाहर से नास्तिक सरीखे पर लक्षित होते हैं, न भगवान का आश्रय लेते हैं न भगवान को विषय बनाते हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, वे तो भगवान को साक्षात आत्मस्वरूप ही समझते हैं। मर्यादा की रक्षा के लिए बाहर से द्वैत की कल्पना कर लेते हैं तो जिज्ञासु कोटि के सिद्ध होते हैं, आश्रय भी भगवान विषय भी भगवान। तो यहाँ एक विचित्र बात है, आश्रय भगवान और विषय भव आर्त अर्थार्थी का लक्षण क्या है, आश्रय लिया भगवान का, विषय बनाया भव को। कष्ट वेदना से मुक्ति चाहता है आर्त, अभीष्ट की सिद्धि चाहता है अर्थार्थी, विषय तो बनाया भगवान को, आश्रय ले लिया विषय तो बनाया भव को, आश्रय ले लिया भगवान का। तो भी भगवान कहते हैं चारों सुकृति अनग उदारा, तुलसीदास गीता में सबके सब अनग हैं, सबके सब उदार हैं, पुण्यात्मा हैं, क्योंकि भगवान का आश्रय सकामता के वशीभूत होकर भी कोई ले ये भी बहुत कठिन है। राजा महाराजा सेठ साहूकार भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस, फिर देवता, फिर देवराज इंद्र, फिर बृहस्पति, फिर ब्रह्मा, आश्रय के लिए तो बहुत से संस्थान हैं, किसी का भी आश्रय ले सकता है, लेकिन भगवान को ही एकमात्र आश्रय बनावे
विषय भव को बना ले तो अभी भगवान उसकी उदारता पर, उदारता का अर्थ क्या है, जो भी आश्रय लेने योग्य चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में हैं, जिनके आश्रय से मनोरथ की सिद्धि हो सकती है, उन किसी का आश्रय न लेकर, किसी का तिरस्कार भी न करके, सबसे अतिक्रांत अतीत जो भगवान हैं, उन्हीं का जिसने आश्रय लिया तो वो तो बहुत उदार हुआ ना। सकाम होने पर भी उसकी निष्कामता कितनी ऊंची है, क्या सकाम होने पर भी उसकी निष्कामता कितनी ऊंची है। जाँची ये जानक जीवन सौ जही जाँचत जाचकता जरि जाए, तुलसीदास जी ने। अरे मन, जांचने की वृत्ति अगर शांत नहीं होती है तो श्री राम जी से याचना कर ले। मन ने कहा याचना राजे महाराजा के सम्मुख प्रस्तुत करूं या भगवान से, अंतर क्या है। अन्य जो हैं वो स्वल्प देते हैं, भगवान से कण भर मांगोगे तो मन भर देंगे, मन भर देकर भी उन्हें संतोष नहीं होगा तो अपने आप को भी समर्पित कर देंगे। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दिन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, भगवान अत्यंत उदार हैं। क्यों उदार हैं, सकाम भक्त पर भी अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। कान भर मांगता है तो मन भर देते हैं, मन भर देने पर भी उनको होता है मैंने कुछ नहीं दिया तो अपने आप को भी सौंप देते हैं, मानो बेचे तो बिक जाऊं, ब्रजवासी कहते हैं। इसलिए आश्रय तुलसीदास जी ने कमल कोक मधुकर खगनाना हर्ष सभी निशावसाना अर्थ अर्थार्थी जिज्ञास और ज्ञानी चारों कयो उपनीत किया। कमल कोक मधुकर खग नाना हर्षे सभी निशा अवसाना, रात्रि में कमल मुकलित रहते हैं, कोक चकवा चकई का परस्पर वियोग होता है, मधुकर कमल के पुष्प के अंदर निबद्ध रहते हैं, खग पक्षी भूखे रहने पर भी दाना चुगने में समर्थ नहीं होते, ये सब के सब आश्रय किसका लेते हैं, सूर्य का। सूर्य भगवान उदित होंगे तो इन चारों का योगक्षेम वहन होगा। कमल कोक मधुकर खग नाना हर्षे सभी निशा अवसाना, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञास और ज्ञानी के लिए कमल कोक मधुकर खग नाना हर्षे सभी निशा अवसाना। लेकिन प्रश्न उठता है, कोक चकवा चकई, एक नदी के इस पार तो एक नदी के उस पार, दोनों का स्वाभाविक वियोग हो जाता है रात्रि में। सूर्य का लंबन लेते हैं, कल्पना करते हैं, भावना करते हैं कि रात्रि बीते सूर्योदय हो, लेकिन सूर्य प्रयोजन की सिद्धि में हेतु हैं, उनको तो चकवा को चकई चाहिए, चकई को चकवा चाहिए, क्या अर्थ हुआ। विषय किसको बनाया, पत्नी को या पति को विषय बनाया, आश्रय किसका लिया, सूर्य भगवान। मधुकर मोहरे जो होते हैं, देखो प्रेम का पंथ निराला, प्रेम का पंथ कैसे निराला है। कमल कोश कब हो ना विधत वही भौंरा काला, कमल के कोश में बेचारा बंद रहता है भ्रमर, कठिन काष्ठ के बेधन में जो रहता है मतवाला, कमल कोश का भूना विधत वही भौरा काला। राधेश्याम जी जो नाटक बनाया था उसका पद है, 63 वर्ष पहले कभी हम लोग अभिनय करते थे गांव में। हम लोगों का अभिनय ऐसा होता था कि
किराए पर कहीं जाते थे आपस में मिलके, भूप नारायण हम सब। मुसलधार वर्षा में भी कोई अभिनय को छोड़ के नहीं जाना पसंद करता था। गांव में कहाँ समय आना ये सब अभिनय। तो कमल कोक देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ट के बेधन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल कब हो ना बेधत वो ही भवरा काला। बांस को भी छिद्र युक्त बना दे, लेकिन फंसा कहाँ है, अत्यंत सुकोमल कमल पराग मकरंद का पान करते करते सूर्य अस्तंगत हो गए, बेचारा फंस गया। चाहे तो बहुत ही आसानी से कमल कोष को विदीर्ण करके निकल सकता है, लेकिन आखिर प्रेमी के प्रेमास्पद के चपेट में पड़ा हूँ ना, इसलिए प्रेमास्पद को कष्ट नहीं देना है। जब सूर्य भगवान उदित होने की स्थिति में होंगे, कमल कोष विकसित हो जाएगा तभी, तो मधुकर आश्रय किसका लेते हैं, सूर्य भगवान का। विषय किसको बनाते हैं, बस बंधन से मुक्त हो जाऊं, कमल कोष में जो बद्ध हूँ कमल कोष खिल जाए उड़ के, फिर अपने आहार इत्यादि सेवन करूं, उड़ान भरूं। कमल कोक मधुकर खग नाना, पक्षी बेचारे भूखे भी रहे तो रात्रि बीतने की प्रतीक्षा है, सूर्योदय की प्रतीक्षा है, लेकिन अर्थ है नहीं, अर्थार्थी हैं, वो दाना चुगने के लिए सूर्य भगवान का आलम्बन लेते हैं। लेकिन कमल कौन है, ज्ञानी भक्त है एक प्रकार से। क्या कमल ज्ञानी भक्त, भगवान सूर्य के ढल जाने पर ढल जाता है, सूर्य के उदित होने पर उदित हो जाता है, आश्रय भी सूर्य का, विषय भी सूर्य का। ऐसे ही आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार प्रकार के भक्त होते हैं, कमल कोक मधुकर खग नाना हर से सभी निशावसाना। सूर्य के लिए सूर्य में प्रीति कमल में है, अन्यों ने सूर्य का आश्रय तो लिया लेकिन विषय बनाया भगवान सूर्य को नहीं। आर्तत्राण मिश्र उड़ियावा जी के बचपन का नाम था, बताते हैं 16 शासन के ब्राह्मण थे, वृंदावन में उनका आश्रम भी है। आर्तत्राण मिश्र, आरती वेदना संकट से त्राण की इच्छा से भगवान का आलम्बन लिया, रिद्धि सिद्धि अर्थ मनोरथ की पूर्ति की भावना से भगवान का आश्रय लिया। लेकिन लिया तो आश्रय भगवान का है ना, उदारता हुई या नहीं, अनग हुए या नहीं। निष्पाप व्यक्ति तो भगवान का आश्रय ही नहीं ले सकता, उसके मन को आकृष्ट करने के लिए सेठ साहूकार ही बहुत हैं और कौन है, शासन तन मुख्यमंत्री ये सब। एक मुख्यमंत्री आए आदित्यनाथ योगी जी प्रयाग में, एक साल में एक बार मिल लेते हैं, अब तक तो ऐसे उन्होंने रखा है। एक महात्मा को भी साथ ले आए, परिचय दिया कि महात्मा जो हैं बहुत अच्छे हैं, हमने कहा इतने अच्छे हैं कि आप राजनेताओं के पीछे आगे पीछे करते रहते अब वो आदित्यनाथ जी भी यूँ कर लिया, महात्मा भी यूँ कर लिया, हमने कहा इतने अच्छे हैं कि आप नेताओं के आगे पीछे ये बने रहते हैं, संत वेश इसीलिए लिया कि आप नेताओं की आराधना करेंगे वो दोनों के मुँह फीका पड़ गया वो संत वेश नेताओं के आगे पीछे करने के लिए क्या व्यर्थ है, भगवान से मिलने के लिए वेश है, वेश धारण करके नेताओं के आगे पीछे, सेठ जी के आगे पीछे, किसी के निंदा मत करो, किसी को कोसो मत, लेकिन आश्रय भगवान का तो लो कम से कम। संत वेश में भी सेठ साहूकार राजा महाराजा चेले चेली के चपेट में पड़ोगे, कहाँ जाओगे, इसलिए आश्रय भगवान का लिया। इसीलिए कहा विषय बनाया इसको भव को, जिज्ञास की क्या विशेषता होती है, आश्रय भी भगवान का विषय भी भगवान को ही बनाया। इसका मतलब भगवान को वर्णीय आत्मीय समझा, आश्रय भगवान को लिया, वर्णीय भी भगवान को लिया। बहुत बढ़िया है,
प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। यह प्राकृत महीपाल राजाओं का स्वभाव होता है, जो क्या है दरबार में जो काम करते हैं उनके कुटुंब का भी पोषण करते हैं वो प्राकृत। तो भगवान कौन है? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो उनके प्रति समर्पित हो जाता है उसके योगक्षेम का ही नहीं उसके कुटुंब का भी योगक्षेम वहन करते हैं सात सात पीढ़ी तक। क्या भगवान का क्या स्वभाव है? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत प्रपन्न के ही योगक्षेम के निर्वाहक भगवान हो ऐसा नहीं उसके कुटुंब का भी। पहले हमने देखा राजस्थान आदि परंपरा की वृद्ध माताएं माला लेकर फिरती रहती, तो हमने कहा ये इनके माला फेरना सात पीढ़ी तक के लिए क्या उपकारक है। वृद्धावस्था में ज़्यादा काम काज तो नहीं कर सकती, लेकिन बैठ गए अपने तख्त पे पलंग पे माला फेर रहे, उसी से परिवार का पोषण सबका होता है। तो पहले भगवत भजन के बल पर धन कमाते थे, तो फिर वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी शराबी कबाबी नहीं होते थे। अब दंड फंद के बल पर धन कमाते हैं तो शराबी कबाबी हुए बिना नहीं रहते। एक व्यक्ति माला फेरता है किसी का हित के लिए नहीं अपने कल्याण के लिए, तो उसका लाभ पूरे परिवार को होता है। यहाँ आश्रय भगवान का लिया, इसीलिए कहा यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मउत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिषः। आप जो हैं उत्तम श्लोक हैं, यशोगान करने योग्य हैं, पवित्र कीर्ति हैं, आप दोनों वरदान देने में समर्थ हैं। मेरे मन में जो भी मनोरथ कामना है आशा है अभिलाषा है उन सब की पूर्ति कृपा करके कीजिए। यह आश्रय भगवान का लिया, विषय भव को बनाया। कहीं ऐसा हो जाए कि मेरे मन में उस मेरे जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से बुद्धि में ऐसा बल और वेग का दान कर दीजिए कि आप में ही निमग्न हो जाऊं, तो फिर क्या कहना। आश्रय भी ले लिया विषय भी, तो कृपण होता है ना, कृपणा फल है। तब हम भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान भूखे रहने देंगे क्या? 10 वर्ष तक कोरे ना रहे, अगर किसी ने भगवान का आश्रय लिया तो भगवान तो योगक्षेम करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने कहा अगर प्रारब्ध योगक्षेम के अनुकूल है तो भगवान प्रारब्ध को आगे करके योगक्षेम वहन करते हैं। प्रारब्ध कहीं प्रारब्ध का बल दुर्बल है, योगक्षेम का अनुकूल नहीं है, तो प्रारब्ध को धकेल करके भी दबा करके भी योगक्षेम का वहन करते हैं। अनन्यास चिंतयंतो माम ये जनाः परिपासते। लेकिन गीता में भगवान की शैली क्या उस पर ध्यान दें। कोई वचन है ऐसा गीता में जो भगवान ने कहा हो कि आगे बढ़ के मैं करूँगा? भागवत के एकादश स्कंद में है, गीता की बात में करो। तो जानते हैं कि आगे कलयुग आएगा, मनुष्य बड़े चतुर होते हैं। उपनिषदों में लिखा है भगवान ने मनुष्य की रचना तो कर दी, बहुत प्रसन्न हुए, कितना बढ़िया है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान से युक्त क्या है कर्मायतन ज्ञानायतन भोगायतन भगवत भक्ति भगवत तत्व के विज्ञान की योग्यता से संपन्न है। लेकिन भगवान ने सोचा ये मनुष्य है बिल्कुल छकाए बिना नहीं रहेगा, बड़ा विचित्र है ये। क्या तो क्या सार निकला? मनुष्य है बहुत विचित्र होता है, तो भगवान का आश्रय ले, भगवान को ही विषय बनावे।
इसका अर्थ यह है कि लौकिक वैदिक जो मर्यादा है उसका पालन करे, भक्ति का दुरुपयोग न करे। भोजन बनना होगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान भी जब युद्ध आदि के लिए योजना बनाते हैं, असुर रात्रि रात्रि भर जगते थे ना ये पांडवों से मंत्रणा करने के लिए, आज तो जीवित रह गए, कल कैसे मोर्चा बनावे ये सब। लेकिन आश्रय भगवान का लेना चाहिए, विषय भी भगवान को बना लिया तो भगवान भूखे थोड़े मारेंगे। आश्रय भी भगवान का, विषय भी भगवान को बना लिया, सोने में सुगंध। जो भी अगला अवसर है, मनोरथ है, कामना है, या जो भी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति आपकी कृपा से हो। इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः तन्निसारियोपार्णं दत्त्वा च मनमर्चयेत्। इसमें संकोच न करे। क्या संकोच न करे? मैं तो सकाम हूँ, सकाम होकर भगवान का आलम्बन कैसे लूँ? इतनी सी है, किसी के अहित की भावना ना हो, कामना ना हो, बेखटके भगवान का आश्रय लीजिए। अब आप एक विचित्र बात है, एक अग्निहोत्र कर्म है, कल्पना कीजिए, जो उपनिषद का पाठ चल रहा है उसी के अनुसार, जिसको अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए वो दे देगा तो उसके लिए वो अधर्म हो गया, उसके लिए अधर्म हो गया। और जो कामना युक्त ने छू लिया, अग्निहोत्र किया, तो कामी हो गया। एक के लिए निषिद्धाचरण हो गया, निषिद्ध हो गया के लिए कामी हो गया। निष्काम भाव से किया तो नित्य हो गया, भगवदर्थ किया तो उपासना का रूप धारण कर लिया उस अग्निहोत्र ने, भगवदर्थ हो गया। और अभिक्रिय विज्ञान घनता का बोध है फिर भी लोक संग्रह के लिए किया तो अकर्म हो गया। कर्म तो एक ही है, किसी के लिए निषिद्धाचरण भी हो जाता है, स्वे स्वे कर्मण भी रहता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य स्वधर्म पिचावेक्ष्य स्वधर्मे निधनम से। यह गीता में जो स्व और पर लगाया है कितना महत्वपूर्ण है। हर पर धर्मो भयावह स्वे स्वे कर्म अभिजता है। सब कर्म सबके लिए अनुश्चय नहीं है ना, शास्त्र सम्मत कर्म भी अपने अधिकार की सीमा में करेंगे तब स्वधर्म होगा या नहीं। स्वकर्म फिर श्रीमद् भागवत में लिखा है, क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि स्व का जो स्तर होता है उसके अनुसार धर्म का विधान होता है। काशी के ही किसी बहुत ऊंचे धर्मशास्त्री के पास जाइए, कहिए महाराज मेरा कर्तव्य बताइए, वो कहेंगे अहम को पकड़ाइए, मेरा ना तो अहम को पकड़ाइए, मेरा धर्म बताइए, स्व को पकड़ाइए, मतलब आप हैं कौन ये तो बताइए। स्व के सांचे ढांचे में ढाल करके तो कर्म का विधान होगा ना। मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, जो कुछ भी है, मैं मनुष्य हूँ। अब वर्णाश्रम को ना मानोगे तो मनुष्य हूँ कुछ तो मानोगे। इसका अर्थ क्या है? स्व के स्तर से धर्म का विधान होता है। और जब मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, रटने के लिए नहीं, सचमुच में यह ज्ञान हो गया तो कोई भी विधान नहीं होगा। इसलिए तो मैंने क्या कहा, भगवद गीता में भगवान का कोई ऐसा वचन है जो अपनी ओर से कहेंगे कि बंदे मैं आगे बढ़ के ये करूँगा? बड़े मनुष्य बड़े चतुर होते हैं, विशेषकर कलयुग के बड़े चतुर होंगे। वहाँ भी सुग्रीव सुधि मोर विसारी। भगवान ने क्या कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च तेसा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
इस पर अनन्यास चिंतायंतो माम यजना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्य हम। तू बंदे पहले ये कर तो मैं करूँगा, ये बहुत चतुर होता है। गीता में कोई भी बच्चा है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना, उनको कौन सखाएगा? वो कोई भृगु जी है कि कोई भी सखा देगा? बोले भले ये कर, सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम रजा। इतनी शर्त पूरा आयन का पेट भर, कंडीशन फुलफिल कर, आज घर के व्यक्ति कहेंगे तो योग। फिर हम त्वा सर्व पापे भ्यो अनन्यास चिंतयंतो माम तद्बुद्धया सदात्मान। इसका मतलब योगक्षेमम वहाम्य हम, अपनी बात बाद में, मनुष्य बड़ा चतुर है सका देगा, लेकिन भागवत में फिर क्या है वो समझना योग्य है। निर्देह माध्यम सुलभम सुधर सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुणाधारम मयानुकूले जन भस्व तेरी तम पुमान भवाब्धिम न तरे सात्मा। अनुवाद किया तो सीधा जी ने, कभूक करि करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु सनेही। फिर जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाय सो कृत निंदक घोर मति आत्म हनि गति जाए। मनुष्य शरीर दिया, चलने फिरने आदि के शक्ति दी, काना कुबरा आदि नहीं हुए, वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। विष्णु आश्रम जी महाराज पूज्यपाद ने दिन कहा, सुनो भाई ऐसे सुन, ऐसे अलीगढ़ की भाषा थी, बढ़िया ब्रजभाषा ही है ना, आसपास ग्वालियर तक ब्रजभाषा का प्रभाव। पुरानी माताएं जो ग्वालियर आदि में हैं, उनको जो अपनी घर की भाषा वो सब जो बोलती हैं, लगता है 99% बस। और यहाँ हम वनवासियों के बीच में गए, ये है उड़ीसा ना, तो हमने कह दिया गांव के प्रधान को, वनवासी अपनी भाषा में बोलो, वो तो 85% मैथिली, उड़ीसा में घोर जंगल 85% मैथिली। अब ये लोग क्या कहें, इधर वाले पुरी वाले, महाराज इनकी भाषा है तो उड़िया समझ में नहीं आती। हमने कहा हमको पूरी समझ में आती, तो हमको आश्चर्य हुआ कि 85% तो वो मैथिली बोल रहे थे। भाषा का बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है। तो भगवान ने क्या कहा, तू इतने कर, करूँ आत्महानि गति जाए। भगवान क्या करते, विष्णु आश्रम महाराज ने क्या कहा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तुम यात्रा कर रहे हो, सामने से वायु का झोंका आवे तो अनुग्रह मानोगे या कोप मानोगे? यात्रा करने में रुकावट होगी या नहीं? तुलसीदास जी ने भगवान के मुखारविंद से क्या कहलवाया, भगवान ने क्या कहा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देना भगवान के लिए क्या है, अनुग्रह है या नहीं? रियते यवशो पिसह, बढ़िया गीता का छठा अध्याय। कबीर बाबा बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेंडिया में सदगुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। लौकिक काम वैदिक काम कर्म करते करते बहे बहाए जात थे, हाँ वो बारात, वो दुल्हीन, वो दूल्हा, वो बेटी, वो बेटा, चाहे गाँव, दो चार कटहल इधर, दो चार कटहल उधर, एक दो कटहल पेट में। अब मगन रहते हैं बिल्कुल, बहे जाए भाए जाते लोग वेद के साथ। हे तू कहाँ, कौन पेड़िया में सदगुरु मिलो, हरियते यवशो पिसा। ये देखो फूल गिरा भगवती घोर से, हरियते यवशो पिसा। अवशोपी जा रहे थे दूल्हा बनने, हो गए किसके जीवन में पूर्व संस्कार का उदय, वैराग्य के अनुकूल कब हो जाएगा कह नहीं सकते। क्या बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। दीपक दीनों हाथ का अर्थ क्या हुआ, ऐसा एक दीपक पकड़ा दिया, उस दीपक की क्या क्षमता थी, जिस मार्ग पर मुझे नहीं जाना है उस मार्ग को दिखाता ही नहीं, इस कार से। और एक होता राक्षस,
मिथिला में राक्षस का अपभ्रंश क्या बोलते हैं, राकस। मिथिला के जो है ना, ये वाचस्पति में जी उदाहरण दिया है वाल्मीकि जी का, श्मशान आदि से कोई रात्रि में यात्रा कर रहा हो, वो जीवच नदी गांव के पास, उस पार से रात में आवाज आती, राकस राकस, बचाओ बचाओ। कोई मधुबनी आदि से रात्रि में आता, सूर्यास्त के बाद राकस राक्षस के चपेट में आ गया, तो हम लोग लालटेन लेके लाठी लेके दौड़ते, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। वो क्या करता राकस मालूम है, वो प्रकाश पुंज हो करके अंधेरी रात में श्मशान आदि से कोई चल रहा है, तपोबल कमजोर है, तो वो ऐसे प्रकाश करेगा, जिधर नहीं जाना चाहिए नदी गड्ढे कांटे के झाड़ी, उधर ही वो मार्ग दिखाएगा, मन को मोहित भी कर लेगा। क्या आप जिधर जाना चाहते हैं उधर जाने नहीं देगा। मैं एक बार, ये श्री कृष्ण सिंह थे ना मुख्यमंत्री बिहार के भूमिहार, एक दिन में 70 या कितने भूमिहार को उन्होंने पुलिस का अधिकारी बनाया था, जाति पक्ष। तो श्री कृष्ण बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के श्री माने जाते थे। उन दिन हम नौवीं में पढ़ते थे, उनको जयनगर जाना था, हेडमास्टर हमारे श्री रामकृष्ण झा थे, बहुत ख्याति प्राप्त तेजस्वी अध्यापक प्रधानाचार्य रामकृष्ण झा डी टोल के, तो वो उनकी कार जाने में, और वो ऐसे को रुके भी नहीं, हम लोग खड़े रहे, वो जब उनकी कार चली गई, हाँ एक सेकंड के लिए रुके भी नहीं, लेकिन अध्यापक जी ने हम लोगों को 2 घंटा प्रतीक्षा में खड़ा किया। अब मैं तो अकेले रह गया, वहाँ से 2.5 किलोमीटर तो गांव होगा ही, लोहा स्कूल से आ रहा था, और घर मान लो ये जो गेट है द्वार, और यहाँ हूँ, यहाँ आया, ऐसे चौराहे की बात थी, वहाँ चौक पूरा हुआ था ऐसे। और एक विचित्र बात, मंत्र का कितना बल होता है, एक खादी भंडार की महिला थी, वो निरीक्षण करती थी, तो उसकी ड्यूटी हमारे गांव में लगी थी सेवा, छत्री घर की रही होगी, ब्रह्मचारिणी थी, अब कौन रखे दूसरे घर की महिला को, तो हमारी बात तो चलती थी, बच्चे थे तो अभी, हमारे जैसे दरवाज़ा होता है ना, एक हमने कहा इसको थोड़ा कमरे का रूप कर देते हैं, तुम यहाँ रहो, तो अपने हाथ से भोजन बनाती थी, उसका कोई खर्चा परिवार पर नहीं था, केवल रहने के लिए, हमने कहा बड़ी बहन के समान तुम रहो, वो भी हमको छोटा भाई मानती थी। वो खादी भंडार से आ रही थी, अच्छा भैया तो हमारे साथ चल, हमने कहा मैं अपने बस में नहीं हुआ, वो बस से चढ़ी, वो बस पे, हाँ उसने कहा कि भैया बस तो है चढ़ ले, हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं दूंगी ना, हमने कहा मुझे नहीं, मैं अपने पैसे से बस पे चढ़ता हूँ, बिना टिकट यात्रा करता नहीं, तो तुम चलो बस से 2 किलोमीटर तक, जहाँ वो गेट बना है, लगभग 2 किलोमीटर तक बस कहीं रुकी नहीं, और मैं बस से पहले पहुंच गया, मुझे उसने वहाँ देखा, सच्ची घटना है, कांपने लगी, भैया तू तो पैदल चला था, मैंने पैदल तो चला था, मैं हमसे पहले कैसे आ गया, एक सेकंड के लिए बस कहीं नहीं रुकी, मैंने कहा आज मुझे भी नहीं मालूम, तो एक ही घर में तो तुम्हारे घर में तो मैं रहती हूँ, चलो हमने कहा मैं अपने बस में नहीं हूँ। अब जाके देखा वो चौराहे पर चौक पूरा हुआ था, हमारे मित्रों की माताएं थी बगल में खड़ी हुई, वो उधर उनको मैंने पहचान भी लिया, मैं सावधान कि उस चौक में न पाँव डालूँ, मंत्र का ऐसा प्रयोग था कि जबरदस्ती जाके उस चौक में खड़ा हो गया, जैसे कोई कील ठोक दिया हो, मैं पाँव उठाने का प्रयास करके भी पाँव नहीं उठा पाया, अब वो दोनों मंत्र सिद्ध हो गया,
वो हंसने लगी माताएं अपने चली गई, वो थी तन मंत्रिक, हमने पहचान लिया लेकिन उनकी इज्जत ना जाए कहीं, हमने नाम नहीं लिया कि हमारे कोई मित्र की माता थी, ऐसे टोना टापर किया। शरीर तो 3/4 रक्त सूख गया, बहुत परिश्रम करके सारी शक्ति लगा के गायत्री आदि का स्मरण करके 5-7 मिनट बाद मैं वहाँ से पाँव खिस निकाल के 6 महीने तक बहुत बीमार रहा। क्या तो मंत्र की शक्ति होती है, मंत्र की भी शक्ति होती है बहुत विचित्र। तो हमने ये कहा कि मारण मोहन उच्चाटन ये सब बड़े विचित्र विचित्र प्रयोग होते हैं, इसीलिए आर भगवान का आश्रय ले विषय भी भगवान को बनावे। तो यहाँ प्रसंग ये चल रहा था कि एक ने भगवान का आश्रय लिया, भगवान को विषय बनाया, तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान का आश्रय लिया, विषय भव को बना लिया, तो भी भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय की भावना की पूर्ति कर देते हैं, धीरे धीरे निष्काम बना देते हैं। क्योंकि एक और भगवान को देखता है, एक और भगवान से दी हुई जो भव की सामग्री है उसको देखता है, अंत में वो भगवान के प्रति आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। तो आप हमारे हृदय में जो भी मनोरथ हो, भावना हो, अभिलाषा हो, वो सबकी पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ज्ञानी भक्त भगवान के प्रति निष्काम भाव से प्रपन्न होते हैं, उनको आत्मी ही नहीं साक्षात आत्मा स्वरूप भी जानते हैं। इत्यविष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः तन्यसार्योपहरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत्। वहे वाहे जात थे लोक वेद के साथ पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनो हाथ, तो राक्षस की बात में कर रहा था। और राक्षस क्या करता है, जिधर नहीं जाना चाहिए दृष्टि बंद करके उधर ही ले जाता है, जिधर जाना चाहिए उस मार्ग को दिखाता नहीं, इतना प्रकाश करता है वो, इतना प्रकाश करता है। लेकिन गुरु के द्वारा जो दिया हुआ दीपक है उसमें क्या विशेषता है, जिस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए कुमार्ग पर उसको दिखाता नहीं, जिस पे चलना चाहिए उसी को दिखाता है। तो वहे वहाए जात थे लोक वेद के साथ पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनो हाथ, लभते पौर्व दैहिकम, देहिकम सुखबोधासन जी कहते थे दैहिकम होना चाहिए। अब हमने कहा भगवान का कथन है, अब जो है उसको मान लीजिए। लभते पौर्व दैहिक, दैविक भौतिक होता है ना, लभते पौर्व देहिकम, वो कहते थे व्याकरण की दृष्टि से तो दैहिकम, यहाँ तो आरसप प्रयोग है, हमने कहा बात ठीक। लभते पौर्व दैहिकम, लभते पौर्व देहिकम, पौर्व देहिक पूर्व जीवन में जो साधन किया भगवत पथ पर चलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, कब उसका उदय हो जाए, ह्रियते ही अब सोपिसा। जा रहे थे दूल्हा बनने, हो गए कुछ और क्या, इसलिए वो क्या संस्कार है। इसीलिए भागवत में क्या दिया है, एकादश स्कंद में आर्त पर भगवान की कृपा और ढंग की, अर्थार्थी पर कृपा और ढंग की, जिज्ञास पर कृपा और ढंग की होती है। आर्त अर्थार्थी पर क्या कृपा है, आरती माने कष्ट वेदना ताप उसका निवारण कर देना, अर्थार्थी माने रिद्धि सिद्धि से भर देना। लेकिन यस्या हम अनुगृहणामी, भागवत में भगवान का वचन है, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, सबसे पहले धन का हरण कर लेते हैं। ये भी कृपा है, धन दे दें ये भी कृपा है, धन का अपहरण कर लें ये भी कृपा है। फिर वो जितने हाथ पांव मारता है सब में विघ्न डाल देते हैं, लो जी। फिर भी नहीं मानता तो परिवार में कलह करा देते हैं, धन नहीं रहेगा तो कलह होगा ही। अभी कोरोना के अवसर पर घर घर में विवाद संघर्ष शुरू हो गया है, अब कुछ दुकान उकान खोलने लग गई होगी, नहीं तो सब जगह से आता था। कलह बहुत बढ़ गया, कलह क्यों बढ़ गए, सब खाली बैठे हैं और आमदनी का स्रोत नहीं, तो घर में लड़ाई झगड़ा दंगा होना ही होना है क्या, भजन करने का संस्कार नहीं,
तो फिर क्या होता, फिर भी नहीं मानता तो रोग कोई ऐसा देते हैं भजन के समय रोग नहीं रहेगा, अब प्रवृत्ति पालेंगे तो रोग आ जाएगा। क्या तो कृपा क्या हुई भगवान, यस्या हम अनुग्रहणामि, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, पहले वित्त हरण कर लेता हूँ, वर्षक प्रयास करने पर भी धन का अवरोध कर देता हूँ, कुटुंबियों में कलह करा देता हूँ, शरीर में रोग दे देता हूँ, जब तक मेरी ओर पूर्ण रूप से आकृष्ट नहीं हो जाता तब तक मानो दुश्मन बन के उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये भी अनुग्रह है। अब मैं इसका आधा इतना बार, एक बार रामदेव में रहता था, कहाँ पर, तो विवाह कॉलेज, एक कंपाउंडर के यहाँ रखा था हमारे बड़े भाई, वो बहुत दूर रहते थे, पहले तिबिया कॉलेज में थे फिर दूसरी जगह उनके, हमारे लिए कमरा तो निश्चित था लेकिन हम परिवार गृहस्थों के बीच में रहते नहीं थे, हम अपने बरामदे में रह जाते थे, वो ऐसे घिरे हुए नहीं, ऐसे ऐसे एक ओर से पूरे खुले, जैसे पूरा खुला हो, वर्षा हो तो सब भीग जाए, और ज़मीन पर एक कंबल या क्या एक ओढ़ने के लिए बस, और कुछ नहीं, पाठ्य पुस्तक, एक दाना भोजन की या कोई जलपान आदि की सामग्री भी नहीं। लेकिन परीक्षा के दिन जब नज़दीक आते, अच्छा उस समय भी हमारा किसी से ये नहीं कि आँख तरेर को देखें या कुछ देखें, स्वाभाविक था, कोई भी हमारे सहपाठी हमारे पास मिलने नहीं आते थे, एक दो बहुत संकोच में कभी कभी आ जाते थे, कभी कभी वृंदावन में भी, होली के अवसर पर मैं आनंद वृंदावन से अपने यहाँ आऊँ, कोई रंगदार था तो मैं गाली थोड़े देता, स्वाभाविक रूप से एक बूंद भी मुझ पर, और महंत जी भी अबीर लगाते थे, कांपते हुए हाथ से ऐसा लगा दिया, एक बूंद भी मुझ पर कोई पानी नहीं डालता था, अपना स्वभाव ही ऐसा है, किसी से झगड़ना नहीं, आँख लाल करना नहीं, अस्वाभाविक रूप से लोग स्नेह सम्मान देते थे। तो वहाँ पर क्या देखता कि पाठ्य पुस्तक जिसकी परीक्षा होनी है वो समाप्त, दिखाई नहीं पड़े, चोर की तो बातें नहीं, न बंदर वहाँ न चोर, और परीक्षा दे के आऊँ तो पुस्तक बिल्कुल आँख के सामने आके प्रकट हो जाए। अब कोई इतने धन हमारे पास थोड़े था कि हम रोजे पुस्तक खरीद लें जाके, अब यह क्रम चलता रहा तो मैंने सोचा ये संकेत क्या है, रियते यब सो पिसा, परीक्षा दे के आता हूँ तो पुस्तक आँख के सामने प्रकट हो जाती है, परीक्षा से 15 दिन पहले जिस जो जो पेपर होना है पुस्तक लुप्त हो जाती है, यहाँ कोई चोर नहीं, कुछ नहीं, बंदर नहीं, तो सोचा वो हो ये संकेत है, इधर की पढ़ाई हो गई अब उधर की पढ़ाई के लिए चलो चलो। एक दिन वो भी था सहपाठियों गम कहते सुनो ये प्रश्न आवेगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये बहुत कठिन है, बहुत हल्का है, हमने कहा देख लेना, जो जो मैं कहता था वही प्रश्न आता था, स्वप्न में प्रश्न पत्र आ जाता था, जब भगवान को उधर की शिक्षा करानी थी तो स्वप्न में प्रश्न पत्र सामने आ जाता था, मुझको मालूम रहता था, ये पूरी तैयारी थी, फिर स्वप्न क्या आएगा प्रश्न पत्र, दूसरी ओर ये भी देखा कि पुस्तकें गायब, कोई भूत प्रेत तो हम पर लग नहीं सकता, भूत प्रेत तो हमारा नाम सुन के भगते थे बचपन में ही, हमारा नाम सुन के भूत प्रेत दौड़ते हुए लोगों को दिखाई पड़ते भगते हुए। तो क्या हुआ, भगवान को उधर की शिक्षा जहाँ तक दिलानी थी तो स्वप्न में भी प्रश्न पत्र प्रकट हो जाए। और अब चलो दूसरी ओर तो पाठ्य पुस्तक आँखों के सामने से ही अंतर्हित हो जाए, परीक्षा दे के आऊँ तो प्रकट हो जाए, तो क्या हुआ, रियते यव सो पिसह, न चाहता हुआ भी भगवान गुप्त रीति से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान की कृपा की कसौटी इस श्लोक में है, कहाँ, भागवत के एकादश स्कंध में, पहले मनुष्य शरीर सुलभ करा देना भगवान की यह विशेष कृपा है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर किस प्रारब्ध को फलीभूत होने के लिए भगवान अवसर दें, भगवान पर निर्भर है या नहीं, क्या प्रारब्ध तो हमारे अनेक प्रकार के हैं,
तो भगवान ने क्या किया, उस प्रारब्ध को आगे कर दिया जिससे हमको मनुष्य शरीर की प्राप्ति होनी थी, हो गई। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लभम सुकल्पम गुरु करुण धारा। अब एक कोई उचित गुरु से भी मिला दिया, ये भी भगवान की दूसरी कृपा। वैराग्य के अनुकूल, बोध के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर दी, ये भी कृपा। उसके बाद भगवान कहते हैं, मैं अब चैन की बंसी बजा के तुम्हारी ओर से दुपट्टा ओढ़ के मस्त हूँ, मुझे जो करना था कर दिया। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, कर्णधार सदगुरु गृहनावा दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। इतनी कृपा भगवान ने कर दी, अब आत्म कृपा नहीं करेंगे, पाठे में सो जाएंगे तो होगा क्या। अब आत्म कृपा नहीं होगी तो सब कृपा पर पानी फिर जाएगा। शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, सब कृपा हो, लेकिन आत्म कृपा भी चाहिए ना। इसीलिए कहा, गीता की बात में कह रहा था, गीता में भगवान ने कोई ऐसा वचन नहीं कहा है कि आगे बढ़कर मैं करूँगा। एकादश स्कंध के अनुसार समझ लीजिए, भगवान को जो करना था कर दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, भारतवर्ष में जन्म दे दिया, सतकुल में जन्म दे दिया, पूरी जैसे धाम दे दिए, क्या सतपुरुष को भी मिला दिया। अब इतना होने पर भी क्या, इसलिए भगवान निश्चिंत हो जाते, अब आत्म कृपा करो। इसीलिए कहा, उसके बिना सब बेकार। इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः तन्निसार्योपहरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत्। भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा ले, आचमन करके फिर पूजा करे। ततस्तु वीतस्तोत्रेण भक्ति प्रहमणेन चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेत् धरिम्। भक्ति भावना से फिर भगवान की स्तुति करे, यज्ञ से अवशिष्ट पदार्थ को सुनकर फिर भगवान की पूजा भी करने लग जाए। पतिम च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रिय स्तरूपनये रूपनमेत प्रेमशील स्त्रियम स्वयं पति। पति का भी दायित्व है जी, क्या दायित्व है, भगवान की पूजा के बाद पतिदेव को साक्षात परमेश्वर समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। यह नहीं कि आज भोजन बनाना ही नहीं है भगवान की भक्ति के नाम पर, अपवित्र दशा की बात अलग है, ये तो पत्नी का दायित्व है। भगवान के नाम पर पति की अवज्ञा न करे। पति का भी दायित्व क्या क्या है, प्रिय स्तय रूपनमे प्रेमशील स्वयं पति ही विभ्रियात सर्वकर्माणी पत्नियां उच्चावचानी च। हाँ, गृह मंत्रालय की बात है भाई, उच्च अवच। पति का भी यह कर्तव्य है कि आंतरिक प्रेम से पत्नी के प्रिय पदार्थों को लाला कर उसे दे, छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। हाँ, ये नहीं, पतिव्रता का ये काम है, पति का काम है कि कोई ध्यान ही नहीं रखे। हाँ, आप खुश हो जाएंगे। हाँ, आपको स्त्रैण नहीं कहेगा ना भाई, वो तो ये तो भाई सुखदेव जी का विरक्त शिरोमणि का वचन है, क्या है, विभ्रियात सर्वकर्माणी पत्नियां उच्चावचानी च। ऊंची सेवा सौंप दे तो यशमैन बन के करो, नीची सौंप दे तो आज जरा झाड़ू आप ही लगा दीजिए, झाड़ू लगाओ भाई। अब वो बड़े विकट बात है, व्यास 6.5 हो गए, व्यास नंदन उसका प्रेम विवाह है, वो है ब्राह्मणी, ब्राह्मण घर की बेटी, तो पारस, तो महाराज के पास ये सब विनोदी लोग भी कुछ थे,
वो उनका भाव था महाराज दिन भर रात भर देश का चिंतन ग्रंथ लिखना ये वो थोड़ा हंसा देने के लिए। तो पारस ये सब ने कहा महाराज ये व्यास नंदन है। हाँ व्यास नंदन है मैं जानता हूँ। देखिए पत्नी के पांव दबाते रहते हैं क्यों व्यास नंदन? हाँ महाराज पांव तो दबाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक, विवाह हुआ है ना तो उसके पांव में दर्द है तो कौन दबावे? संतान उनता नया नहीं, परिवार से तो छूट के से विवाह किया हूँ, प्रेम विवाह है, घर वाले तो कोई साथ नहीं दे, पांव कौन दबावे? हाँ ठीक है भाई, पत्नी का भक्त होना चाहिए महाराज के अपने छोटे बड़े काम करता रहे। आ एक बहुत ऊंची बात है, फिर बस सारे से हो गया। बिभ्रियात सर्वकर्माणी पत्नियाँ उच्चा वचा नीचा माने कोई बड़ा काम सौंप दे पत्नी तो भी कीजिए, छोटा कोई काम सौंप दे आपके स्तर के अनुकूल ना हो तो अमिताभ बच्चन होके घर में झाड़ू भी लगाइए, उसमें कोई बात नहीं। कृतम एक तरेणापि दंपत्योरुभयोरपि पत्न्याम कुरियाद अनर्हायाम पतिरेत सम्याहितः। बहुत बढ़िया है, पति पत्नी में दोनों में कोई भी कोई पवित्र काम करे, पत्नी कर ले तो पति को भी उसका फल मिलता है, पति कर ले तो पत्नी को भी फल मिलता है, दोनों मिलके करें तो दोनों को फल मिलता है। ये नहीं कि पत्नी ने भगवान की आराधना की तो पति को उसका फल नहीं मिलेगा, पति ने भगवान की आराधना की तो पत्नी को फल नहीं मिलेगा, दोनों ने मिलकर को अनुष्ठान किया तो दोनों को लाभान्वित होना ही होना है। श्री राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत हर हर बंद करो।